क्रेजी एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय क्रेजी एग्जाम शास्त्र टॉप 15 जीके क्वेश्चन चलेगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशिकत्व के कारण जो है तेल बत्ती के ऊपर चढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने भारतीय महिला ने दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है? तो ऑप्शन है आरती शाह, संतोष यादव, जयंती पटनायक, मैरी कॉम। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। कब? तो 1992 और 93 में, पहली बार 1992 में, दूसरी बार 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो है किस श्रेणी में है? तो ऑप्शन है मूल अधिकार, कानूनी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300A में ट्रांसफर किया गया है। द लास्ट सुपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो ऑप्शन है लियांडो द विंसी, कैमरून द विंसी, फेडरिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी, द लास्ट सुपर पेंटिंग के कृतिकार। 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है धनानंद, कबीर, निराला, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है बिक्री कर, निगम कर, मनोरंजन कर, उपहार कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो ऑप्शन है मेहरुनिसा, मुमताज महल, साइनो बानो, कालिका बानो। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमताज महल। औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है? तो ऑप्शन है फाल्गुन, कार्तिक, चैत, सावन। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाल्गुन है अंतिम महीना, और प्रथम महीना जो है यह चैत है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध। यह सबको पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछला क्वेश्चन में पूछा गया है, मीरा कुमार, सेना मायंगर, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जी वी मावलंकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी वी मावलंकर। इनका जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका कार्यकाल जो था 1952 से लेकर 1956 था, अध्यक्ष के पद पर रहे। फ्लू जो है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है वायरस, फफूंद, जीवाणु, परजीवी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल परियोजना, विद्युत परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो ऑप्शन है एस मुखर्जी, जनरल करियप्पा, जनरल मानेकशॉ, रामदास कटारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, और यही जनरल करियप्पा जो थे
या आज़ादी के पहले थे? आज़ादी के पहले। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।